हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज झा भी जुड़े हुए हैं। पंकज, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार योगी के एजेंडे में सबसे ऊपर क्या रहने वाला है? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक पॉइंट हो उनके एजेंडे में। मंत्रिपरिषद की जो आज बैठक है, मैं आपको बता दूं कि कल भी जो मंत्रिपरिषद की बैठक थी और आज भी थी, कल परिचय वाला बैठक था, सब लोग बैठे, एक दूसरे को जाने पहचाने, चाय पिया, एक दूसरे का हाल चाल लिया। आज से कामकाज शुरू हो रहा है। आज जो मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, मैं जैसे ब्रजेश पाठक के घर पर, उनकी गाड़ी लग गई है, वो जाएंगे थोड़ी देर में यहाँ से और लोक भवन, जहाँ पर मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी होंगे, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी हैं और राज्यमंत्री भी हैं और बहुत सारे नए चेहरे हैं। उनके लिए पहली बार है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। 32 लोगों की छुट्टी की गई है, पुराना जो मंत्रिमंडल था उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो कई सारे एजेंडे हैं। उस एजेंडे में से ये भी है कि पहला जो ये है कि किस तरीके से जो फ्री राशन की बात की जा रही है, जिससे ये कहा जा रहा है कि लाभार्थियों का एक वर्ग तैयार हुआ है जो बीजेपी का एक वोट बैंक बना है, तो वो फ्री राशन को कंटिन्यू करने की बात है। उसको कब तक कंटिन्यू करेंगे, कितना पैसा खर्च होगा, कैसे मॉडलिटीज होंगी, वो तय करने की बात हो, आज ही इसके बारे में फैसला हो जाए, कहा नहीं जा सकता। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनावी सभाओं में, मुझे याद है पहली बार उन्होंने फतेहपुर में ये बात कही थी, स्ट्रीट कैटल, जो छुट्टा पशुओं की बात की जाए, उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। प्रयागराज में एक मॉडल भी है और मॉडल वो सक्सेसफुल है। क्या उस मॉडल को पूरे यूपी में लागू किया जाए, उसका एक प्रेजेंटेशन भी हुआ था कुछ दिनों पहले। और इसीलिए आज देखिए 11:30 बजे जब सचिव रैंक से ऊपर के आईएएस अधिकारियों की बैठक होगी, तो उसमें भी इन सारी चीजों पर चर्चा होगी, सबको टास्क दिया जाएगा और जो लोक संकल्प पत्र में तमाम एजेंडे हैं उन पर भी चर्चा होनी है उस बैठक में। तो आज की बैठक, पहले मंत्रिपरिषद की, फिर अधिकारियों के साथ बैठक, तो ये सिलसिला जारी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।